वेलकम टू decidejob.com। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं मोबाइल पर और कंप्यूटर दोनों पर। मैं आपको ये तरीका बताने लगा हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इस पर भी क्लिक करके उस कॉल पर लाजमी सेट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहले तो आपने आ जाना है अपने चैनल पर। चैनल पर आने के बाद पहले मैं आपको कंप्यूटर पर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने ये जो आपका चैनल का आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। यूट्यूब स्टूडियो पर आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो होगा स्टूडियो वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड सारा कुछ यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो आपने यहाँ पर देखना है और नीचे आपने आना है और इस पर ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने इस ये जो बेसिक इन्फो वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। इस पर आपने ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है और ये नीचे देखें कि वो जो है ना एडिट करने के लिए उसने ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे आपने जो भी अपने चैनल का नेम रखना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने नाम रखना है वो यहाँ से अपना नाम रखें और नाम रखने के बाद अब आपने ये नाम रख लिया है तो आपने यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करना है। आपके चैनल का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। मैंने पब्लिश पर क्लिक किया तो अभी चेंज पब्लिश, ठीक है। अभी दोबारा अपने चैनल पर जाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके चैनल का नेम चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरे चैनल का नेम चेंज हो गया। और थोड़ी देर बाद हर मोबाइल में ये जो है ना इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हर मोबाइल में हर कहीं पे इसकी ये अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने अपने चैनल की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कैसे चेंज करनी है। तो दोबारा आपने वहीं पर आना है और ये एक लेआउट वाला ऑप्शन है और एक ब्रांडिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने ये यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये चेंज है, ये रिमूव है, ठीक है। जब चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है ना अगर मोबाइल कंप्यूटर पर करेंगे कि तो गैलरी ओपन हो जाएगी। तो नीचे आप यहाँ पे अपने बैनर चेंज कर सकते हैं अपने चैनल का, मतलब कि कोई भी आप पीछे जो आपको ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि यहाँ इस तरह का आपका बैनर होता है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नीचे आप वीडियो वाटरमार्क जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, नीचे इसके भी ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपने कंप्यूटर पर तो मैंने आपको बता दिया, अब आपने मोबाइल पर कैसे अपने चैनल का नेम और फोटो वगैरह जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप मोबाइल पर कैसे अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। आप यूट्यूब यहाँ से ऐप ओपन करें और उसके बाद ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है आपके चैनल का जो आइकन है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपने अपने योर चैनल पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो पेंसिल का आइकन है आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो पीसी पर चेंज किया था वो अब मोबाइल पर भी शो होने लग गया है। और यहाँ से आपने ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है तो आगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा और यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ और मोबाइल पर आप प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं ऊपर ही आपको ऑप्शन दे दिया गया है। इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फ्रॉम योर फोटो पर क्लिक करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप कोई भी पिक्चर इस यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप मोबाइल से बैनर भी अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप YouTube चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर या बैनर वगैरह या वीडियो वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके उस कॉल पर सेट कर दें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।